हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, यानी कि स्वागत है अपनी वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से उसी अंदाज में फटाफट के जीव जंतु को बचाते हुए मैं मुरली वाले हौसला यहां पर पहुंच चुका हूं। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से 14 किलोमीटर की दूरी पर नोपड़ा मार्केट के जस्ट पहले लखनीपुर बेलापार जो भी गाँव है ये। क्या नाम है आपका? कृपा शंकर जी हैं, हमको फ़ोन किया है और मैं यहाँ पर तुरंत पहुँच चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ घर के अंदर कोई सांप छिपा हुआ, आइए दिखाते हैं फटाफट। तो चलिए अंदर से फटाफट तो दिखाइए फिर यहाँ पे कहाँ निकला था। यहीं पर निकला था, यहीं पर बच्चे पढ़ रहे थे, यही सब बच्चे हैं और यहाँ पर मैं देखा तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पुअरा, यानी कि जो धान होता है, धान सटकने के बाद में, धान की रोपाई हो जाने के बाद में जो धान का वो बचता है डंठल, यानी कि ये गोरु का चारा भी एक तरीके से है। तो इसी के ऊपर बिस्तरा भी लगा है और बच्चे यहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं और हो सकता है खतरा यहाँ आ भी सकता है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप नज़रें जमाए रखिएगा, क्योंकि ये पूजा पाठ का भी घर है, प्रभु का इसमें वास भी है और यहाँ बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, यहाँ पर छोटा सा परिवार है और रहता भी है। और इधर आइए तो कब दिखाई दिया था कुछ पता है? आधे घंटे पहले, और तब से बच्चे बाहर खड़े हैं। कब इसी में था? तो दोस्तों आप देख सकते हैं खतरा कहीं से भी आ सकता है। यहाँ पर कोबरा स्नेक है, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा के नाम से ये जाना जाता है और ये बिस्तर के अंदर है। और ये इसके अंदर, बिस्तरा के अंदर ये कैसे गया? अच्छा हुआ दोस्तों आज परिवार तो बच ही गया, नहीं तो यहाँ तो खतरा कभी भी हो सकता है। इतना खतरनाक सांप घर के अंदर कैसे प्रवेश किया, तो ये बहुत सोचने की बात है। ठंडक का महीना है दोस्तों, हो सकता है इसके अंदर गर्म था और गर्मी की वजह से गर्मी पाया ये यहीं पर आके छिप गया। इधर एक बार दिखा दीजिए, तो हो सकता है ये शिव जी का भक्त भी हो और यहीं पर आया हो, यहीं पर रहता भी होगा ये। यहाँ पर अनाज भी रखा हुआ है बगल में। तो दोस्तों अक्सर ये पक्का, यानी कि फर्श जो रहती है, फर्श पक्की रहती है तो उस पर ये चल नहीं पाता, इसके पर काम नहीं करते हैं और कभी कभी ये उल्टा भी चलता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैक हुआ है। तो ये त्रिशूल रखी हुई है शिव जी की और ये शायद यहाँ पर कई दिनों से, यानी कि अपना आसियाना बनाया था, यहीं पर रहता था और आज गिरजा भाई की निगाह पड़ ही गई और ऐसे में परिवार भयभीत भी था और बच भी गया। तो ठीक है दोस्तों, हम इसे आप कैच करते हैं और चाहता हूँ हाथ ना लगाना पड़े।
थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नहीं आप उधर आ रही, काफी अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।